शिवपुरी जिले के दौरे पर आए प्रदेश सरकार के पंचायत और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने रेत के अवैध कारोबार और नशे को लेकर कड़े तेवर दिखाते हुए प्रशासन को इन पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया कि बिना पुलिस की मिलीभगत के कारोबार मुमकिन नहीं है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि अगर 3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मंत्री की एक्शन की बात का अधिकारियों का ये रिएक्शन हुआ कि शनिवार रात को ही कोलारस और बदरवास में रेत के भंडारणों पर छापामारी करते हुए कोलारस SDM ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव, SDOP विजय यादव और प्रशासनिक दल ने देर रात तक रेत जब्त कर अपने कब्जे में ले ली। वहीं आज भी अवैध रेत के कारोबारियों पर कार्यवाही करते हुए कोलारस प्रशासन द्वारा कई फड़ों पर छापामार कार्यवाही की गई। प्रशासनिक कार्यवाही की खबर लगते ही अवैध फड़ संचालकों में हलचल मच गई और वह फड़ों को छोड़कर भाग गए। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।